गुरुवार को देश भर में युवा दिवस की धूम है। इस अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा देश भर में मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में भिलाई में भाजयुमो द्वारा मैराथन का आयोजन किया गया। पूरे भारतवर्ष में युवाओं के प्रेरणा स्रोत माने जाने वाले स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर देश भर में युवाओं ने मैराथन दौड़ का आयोजन किया और इस दिन विशेष को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर सेंट्रल एवेन्यू भिलाई में भी स्वामी विवेकानंद जी के सम्मान में सैकड़ों एथलीट व युवाओं ने दौड़ लगाई। इस अवसर पर सेक्टर 9 चौक से सिविक सेंटर तक मैराथन में युवाओं ने दौड़ लगाई है। इस दौरान युवाओं में काफी जोश दिखा। इस देश के आध्यात्मिक पुरुष और मैं तो कहूँ विश्व के आध्यात्मिक पुरुष, एक महामानव जिन्होंने भारतवर्ष की ऊंचाई को और बढ़ाए और उनके ही सम्मान में इस देश में युवा दिवस के रूप में उसके जन्म जयंती को मनाने का और उसी के अनुरूप आज स्वामी विवेकानंद जी की 160वीं जयंती पे हम सब आज भिलाई के प्रांगण में बैठे हैं और हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व में संकल्प लिया है सूर्या जी ने, जो राष्ट्रीय हमारी युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, पूरे देश में हर जगह हर जिले में ये मैराथन का आयोजन हो। उद्देश्य सिर्फ एक है, जिस तरह मात्र 32 वर्ष की उम्र में स्वामी विवेकानंद जी ने नई ऊंचाई तय की, वो युवा थे और युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे, इसलिए भी हम सब मैराथन दौड़ के माध्यम से स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों को आत्मसात करें, आध्यात्मिका को हम लोग आत्मसात करें और आध्यात्मिक पुरुष ने जिस ऊंचाई को तय की उसी तरह अपने जीवन में वो भी ऊंचाई तय करें, लक्ष्य को प्राप्त करें। उम्र चाहे कम हो, जीवन लंबी होनी चाहिए, जीवन जीने की जो उनकी भावना थी वो लंबी, और आज भी हम सब उनको याद कर रहे हैं। इसी भावना को लेकर आज हमारे भिलाई सभी प्रभारी गण आज जैसे दिल्ली से आलोक किया है और माननीय हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी के संरक्षण में ये कार्यक्रम कभी आयोजित हुआ और बच्चे उसी उत्साह से दौड़े जिस उत्साह की हमारी उम्मीद है और इस देश को उम्मीद है। बच्चे देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम की भावना से हमेशा इसी तरह आगे बढ़ते रहे। इस साल विधानसभा का चुनाव है, युवाओं की कितनी भूमिका रहेगी और युवाओं को लेकर क्या स्ट्रेटेजी बीजेपी के पास? देखिए, हम लोग कहा करते हैं, स्वामी विवेकानंद जी भी कहा करते थे कि अगर युवा उठ खड़ा हुआ है तो देश उठ खड़ा होगा। आज ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी वही कहते हैं, अगर देश को खड़ा करना है तो युवाओं को खड़ा करना पड़ेगा और उसी उद्देश्य से हमारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व इसी तरह इस देश को आगे बढ़ाने में लगे हैं और वो हर जगह युवाओं को महत्व देते हैं ताकि देश आगे बढ़े, युवाओं के साथ आगे बढ़े और युवा ऊर्जा जब जाग जाएगी तो सारे जो नकारात्मक भाव है वो बिखर जाएंगे और सकारात्मक भाव से देश आगे बढ़ेगा। यही युवाओं के को मैं संदेश देना चाहता हूँ, उन्हें शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इसको मैराथन दौड़ के रूप में मनाया है और ये संदेश जा रहा है कि स्वामी जी के आदर्श पर चलकर युवा चाहे जवान बने, देश के प्रति देश के कल्याण के लिए काम करें और एक ऐसा देश तैयार करें जो आज विश्व गुरु के रूप में भारत को मान्यता दिला रहा है, ऐसा मामला हो। आज हमारे प्रधानमंत्री द्वारा युवाओं को, महिलाओं को, सबको साथ लेकर सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास इस बात को लेकर काम कर रहे हैं, वही काम आज यहाँ पर हो रहा है। युवाओं के माध्यम से हम चाह रहे हैं हर युवा में एक चरित्र निर्माण हो, उसके जिसके प्रति उसका प्रेम हो, आध्यात्म से जुड़े और स्वामी विवेकानंद जी के आदर्श पर चले और आज उनके आदर्श पर चल के ही हम एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, यही संदेश आज जाना चाहिए। देखिए, आज यंग इंडिया रन के तहत पूरे देश में हमारे कार्यक्रम हर जिले में 400 से 500 मिनिमम युवा दौड़ रहे हैं। संदेश साफ है, हमारे स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, उनको हम याद कर रहे हैं और युवा को ये संदेश दे रहे हैं कि उनके पदचिन्हों पर हमको चलना है जी। कल उसी निमित्त मेरा रायपुर आना हुआ, हम कल बड़ी बैठक हुआ मोर्चे की, नई जो नव गठित टीम है उसके साथ की है और अगले 3 महीनों के लिए कार्य योजना तैयार करके कर उसको किया है हमने और पूरा हमारा
इलेक्शन के लिए हमारी पूरी तैयारी है और उसी क्रम में हम आगे बढ़ चुके हैं। इस दिन से कितने संतुष्ट हैं आप आज के दिन से? देखिए ये कोई एक मैराथन दौड़ है, ये कोई हमने स्कूल में राजनीतिक कार्यक्रम में हमने युवाओं को बुलाया और आप देख सकते हैं काफ़ी मात्रा में युवा आए हुए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आयोजित मैराथन में भाजयुमो जिला भिलाई अध्यक्ष अमित मिश्रा, भिलाई जिला भाजपा अध्यक्ष ब्रिजेश बिजपुरिया सहित बड़ी संख्या में भाजयुमो के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मैराथन में भाजयुमो के युवा सदस्यों ने भी दौड़ लगाई। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।